को बचा है या कुछ पूछना है तो बताइए। बताइए बताइए। सर, सोशल रिफॉर्म्स का जो नेचर था वो आइसोलेशन में था, आपने कल उठाया था लेकिन क्लियर नहीं हुआ था। देखिए आइसोलेशन किसको कहते हैं, आइसोलेशन शब्द के बहुत सारे मतलब हैं, 10 मतलब हैं आइसोलेशन शब्द के। सर के एक से दूसरा कनेक्ट नहीं हो पा रहा कहाँ हो इस पाया था, तरह। सबके अलग अलग टाइम थे, सबके अलग अलग तरीके थे, उस तरीके से वो आइसोलेटेड थे। आइसोलेटेड का मतलब ये नहीं है कि अपने घर में मूवमेंट चला रहे थे। सर आइसोलेटेड थे, अगर वो आइसोलेटेड है सर तो नेशनलिज्म नहीं बढ़ेगा उससे। नेशनलिज्म बढ़ेगा, लेकिन नेशनलिज्म भी तो आइसोलेटेड था शुरू में। अगर नेशनलिज्म आइसोलेटेड ना होता तो कम्युनलिज्म ना बढ़ता। अगर आप कम्युनलिज्म की तलवार से देखोगे तो आइसोलेशन था नेशनलिज्म में, तभी तो देश आजाद नहीं हुआ ना, बंटवारा हुआ देश का। अगर फिर हमारा ये हेल्प हाँ करेंगे डेमोक्रेटिक की तरफ जाने में, क्या सोशल जी, रिफॉर्म, सोशल क्या कह रहे हैं? रिफॉर्म से वो कंट्री को हेल्प करेंगे डेमोक्रेटिक की तरफ जाने में सर। 100% हेल्प करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? फिर क्या ये फंडामेंटल भी है सर? फंडामेंटलिज्म यस और सर। फंडामेंटल दोनों शब्दों में जमीन आसमान का अर्थ है। फंडामेंटलिज्म एक तरीके की थ्योरी है, फंडामेंटलिज्म एक तरीके की आइडियोलॉजी है, फंडामेंटलिज्म एक तरीके की थिंकिंग है जिसके फंडामेंटल फंडामेंटल और फंडामेंटलिज्म में जमीन आसमान का फर्क है माय डियर। हाँ सर, बताना सर बेसिक डिफरेंस क्या है सर। ये पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट है। फंडामेंटलिज्म मतलब होता है कि आप जो है अपने विचारों को, अपने आइडियाज को, अपने सिस्टम को आप बेस्ट मानते हैं, उन्हीं को आप प्रमाइसेस मानते हैं। इसीलिए कहता है, इसलिए कहा जाता है फंडामेंटलिस्ट फोर्सेस, फंडामेंटलिस्ट टेंडेंसीज, फंडामेंटलिज्म। ये सारा नेगेटिव है। ये जैसे हाइपर नेशनलिज्म खराब है, वैसे ही हाइपर नेशनलिज्म या रैबिड नेशनलिज्म कहते हैं उसको, वो अगर खराब है तो फंडामेंटलिज्म भी खराब है। और फंडामेंटल सर, फंडामेंटल तो फंडामेंटल है, फंडामेंटल कोई भी चीज हो सकती है। कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल वैल्यूज हैं, फंडामेंटल आइडियाज हर चीज के होते हैं। हमारी सोशल रिफॉर्म मूवमेंट के कुछ फंडामेंटल बेसिस थे। हमारी सोशल रिफॉर्म मूवमेंट जो है फंडामेंटलिज्म को बढ़ावा नहीं दे रही थी। उसके मूल सिद्धांत जो होते हैं उनके बारे में बात करते हैं फंडामेंटल में। फंडामेंटलिज्म का मतलब ये नहीं है, फंडामेंटलिस्ट और फंडामेंटलिज्म में फर्क है। जैसा मैंने आपसे कहा, आप बोल रहे हो फंडामेंटलिज्म, मैं कह रहा हूं फंडामेंटलिस्ट, दोनों में फर्क है, दोनों में सर फर्क है। फंडामेंटलिस्ट एक अलग चीज है, फंडामेंटलिज्म एक अलग चीज है। आप कह रहे हो फंडामेंटलिज्म, मैं कह रहा हूं फंडामेंटलिज्म, आप उसको समझ रहे हो फंडामेंटल। ओके बात समझ में आई? सर, यस सर। देखो सारा खेल दो चीजों का है। अगर वैसे तो सारे सब्जेक्ट की अलग अलग अप्रोच होती है, हर सब्जेक्ट की अलग अप्रोच है, लेकिन किसी भी सब्जेक्ट की अप्रोच एकेडमिक नहीं है। सिविल सर्विसेज में एकेडमिक अप्रोच नहीं है। ऐसे भी लोग हैं जो पढ़ते चले जाते हैं राइट अप्रोच से। इसको क्या हुआ भाई, पढ़ते चले जाते हैं राइट अप्रोच से और सारे काम को कर भी लेते हैं। अच्छा हो तो रहा है, ठीक है। स्क्रीन दिख रहा है भाई? यस सर। थैंक यू फॉर कंफर्मेशन। तो पंगा ये है ना, जो की वर्ड है वो आपको आने चाहिए हर सब्जेक्ट के। एक की वर्ड का बनेगा आपका, जिससे एनालिटिकल बेस बनेगा, उसके बिना बने आप मेंस नहीं निकाल सकते। एक की वर्ड का बेस बनेगा ऑब्जेक्टिव बेस, हर सब्जेक्ट में होता है ये, उसके बिना पीटी नहीं निकलेगा। पीटी में जो भी आता है, ये मान लो एग्जाम की तैयारी है, मान लो ये किताब है, तो ऐसे नहीं समझ में आएगा, ऐसे बताते हैं आपको। देखिए ये है आपका सिलेबस, तो जो प्रीलिम्स है ना वो ये है। ये सिलेबस है, प्रीलिम्स ये है, बाहर है उसके।
ठीक है, यानी जो सिलेबस है जो, उसके बाद एक एक्साइटेड प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की तरह तुम्हें चार गुना ऊपर उठना पड़ेगा, जिसे हम कहते हैं एक्साइटेड स्टेट। पढ़ा ना साइंस में वैलेंसी? हाँ, अरे ये तो बता दो पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? ये सब पढ़ा है। और ये भी पढ़ा होगा आपने, एक होती है आपको थ्रेशोल्ड, थ्रेशोल्ड वैल्यू होती है ना? यस सर। और एक कॉन्सेप्ट होता है एस्केप वेलोसिटी का। यस सर। एस्केप वेलोसिटी होती है ना सचिन, सुनिए नाम। यस सर। इंडिया पृथ्वी की 11.2 किलोमीटर पर सेकंड सर। 11.2 किलोमीटर पर सेकंड वाली क्या है ये सर? किसी ऑब्जेक्ट को इस गति से फेंके तो फिर क्रॉस कर जाती है सर इसको। हाँ बस, तो यूपीएससी की भी एक गति है, उस गति से कम फेंकोगे ना तो नीचे ही गिरेगा सब कुछ, एस्केप नहीं कर पाएगा वो। तो इसीलिए ना एक सामूहिक प्रयास की आवश्यकता है, जिसमें आपका दिमाग पूरा चले। जैसे अभी वो हिजाब वाला चल रहा है, अब हिजाब ही नहीं पढ़ना बस, लेकिन उसके पीछे जो कॉन्सेप्ट है, उसके पीछे कितने सारे कॉन्सेप्ट है देखो। उसके पीछे एक कॉन्सेप्ट आ जाता है सेकुलरिज्म। इज एसेंशियल, व्हाट इज एसेंशियल इन फेथ। फिर एक कॉन्सेप्ट आ जाता है, अरे यार एक सेकेंड, स्क्रीन शेयर बंद करके दोबारा करना पड़ेगा मुझे। फिर एक कॉन्सेप्ट आ जाता है उसके पीछे, व्हाट इज द रोल ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज। फिर एक उसके पीछे आ जाता है, सुप्रीम कोर्ट इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए नहीं होना चाहिए, किसका क्या होना चाहिए। फिर एक आ जाता है जी, हाउ एजुकेशन शुड बी मॉडर्न एंड मूविंग फॉरवर्ड। फिर एक आ जाता है कि कोर्ट को किस चीज को, कोर्ट को घुसना भी चाहिए नहीं घुसना चाहिए। फिर एक आ जाता है जी कि एक इंस्टीट्यूशन जो है, स्कूल जैसा जो इंस्टीट्यूशन है, वो कैसे मॉडर्न आइडियाज को कैसे प्रमोट करेगा, जो कि साइंटिफिक टेंपर इनकलकेट करने के लिए बहुत जरूरी है। फिर एक आ जाता है जी कि स्टेट को फंडामेंटल ड्यूटीज के लिए कोई कुछ बनाना चाहिए नहीं बनाना चाहिए। मोदी जी तो कहते हैं बार बार कि राइट बहुत झेल लिए, आप ड्यूटी की बारी है, आप ड्यूटीज पर भी ध्यान दीजिए। तो देखना पड़ेगा कि मामला क्या है, पूछा क्या जा रहा है, बोला क्या जा रहा है। ये सिर्फ इसमें नहीं है, ये हर सब्जेक्ट में है। तो इसीलिए जैसे अभी आप मॉडर्न इंडिया कर रहे हो, अब तीन चार तरह की चीजें आती हैं इसमें पीटी की बात की जाए तो। एक आ जाएगा फैक्ट, फैक्ट ऐसा आएगा जो थोड़ा लेसर नोन भी हो सकता है और नोन भी हो सकता है। हमेशा ध्यान रखिए, पहले बताओ चलो पेपर आसान आना चाहिए कि टफ आना चाहिए, ये बताओ पहले तुम, जल्दी बोलो। सर बैलेंस होना चाहिए पेपर में, कुछ पेपर आसान और कुछ पोर्शन टफ। अच्छा, और किसी का कोई रुझान, और किसी का कोई उत्तर? अरे उत्तर तो दे दो यार, अपने व्यू तो जल्दी जल्दी दिया करो। सर ऐसा आना चाहिए, हमें आता हो। हाँ, ये खुशबू ने तगड़ी बात कह दी भाई, बहुत बढ़िया उत्तर, मजा आ गया सुन के। ऐसा आना चाहिए, हमें आता हो, वाह बहुत बढ़िया। और किसी का कोई जवाब? अरे यार जवाब तो जल्दी दे दिया करो यार। हाँ, अरे और भी कोई कुछ बोलो। तो अच्छा, अब चलो मैं इसी बात पे बात कर देता हूँ। सचिन तो क्या है ना, जो बैलेंस की बात कर रहे हैं कि बैलेंस होता कुछ नहीं होता सचिन जी, नथिंग। खुशबू ने जो बात कही वो है बात, ऐसा आना चाहिए जो हमें आ जाए, है ना। आप ज्यादा वो करते हो, इतनी थ्योरेटिकल अप्रोच नहीं चाहिए, मतलब ठीक बात है, बैलेंस कुछ नहीं होता। मेरा तो ये मानना है पेपर आना चाहिए टफ,
पेपर टफ इसलिए आना चाहिए क्योंकि पहली बात है कंपटीशन ऑफ मेरिट तो ऑलरेडी है, उसको तो आप कुछ कर नहीं सकते, आप ऊपर ही उठ सकते हो। तो लेकिन जो खुशबू ने बात बोली कि हमें आना चाहिए, हमें आना चाहिए, अब पेपर जनरली आता है टफ, इसलिए आपको हो जाना चाहिए टफ। जब आप हो जाओगे टफ तो ऑटोमेटिकली आप पेपर के लेवल तक राइज कर गए। तो हमें आना चाहिए कि अप्रोच क्या होती है कि आप अपने आप को और ऊपर उठाएं, नए वर्ड्स, नई वोकैबुलरी, नए आइडियाज, सारे स्फेयर को आप कवर करो। और सारे स्फेयर को कवर करके कोशिश ये करनी चाहिए कि ऑब्जेक्टिविटी के साथ आप एग्जाम को अप्रोच करो। तो एग्जाम को कई चीज चाहिए, स्पीड चाहिए एग्जाम को, सबसे पहली बात तो स्पीड है ना। कॉम्पिटिटिव एग्जाम 2 घंटे का होता है, सिर्फ 2 घंटे का, और वो पूरा साल निर्धारित करता है। ऐसा कैसे हो सकता है कि उसकी तैयारी नॉर्मल प्रोसेस की तरह से हो जाए? कौन सा ऐसा एग्जाम है, मतलब सारे एग्जाम इंडिया के में तो खैर ऐसे ही होते हैं, लेकिन आई मीन टू से कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन इज नॉट ए नॉर्मल सिचुएशन, स्पेशली विद इन 2 आवर्स, और उसके भी ऊपर से नेगेटिव मार्किंग, समझ रहे हो, और उसके ऊपर भी बबल भरने हैं। ये लो, कुछ लोग तो बबल भरने में फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, फिर उसके लिए भी एक अलग टेक्निक चाहिए कि भाई बबल कब भरे जाए। कुछ लोग बबल गलत भर देते हैं, एक बबल गलत भरने का मतलब है 2 क्वेश्चन गलत हो गए एक तरीके से। मान लो अगर आप सीक्वेंस से भर रहे हो ऐसे ही, और बीच में आपने कुछ क्वेश्चन छोड़ दिया और आपने पहले निशान लगा लिए और आपने गलती से 31 की जगह 30 पे गोला लगा दिया, तो उसके बाद वही सीक्वेंस चलेगी जब तक आपको पता नहीं चलेगा। कोई कहता है जी 7 में क्वेश्चन देखो, 7 में बबल बना दो, पता चला जी 40 क्वेश्चन ही बस देख पाए पूरे पेपर में, 40 के बाद मारकाट मची, अगले 60 क्वेश्चन का क्या हुआ राम जाने, बस कर आए जी। लेकिन एक और अच्छी बात है सिविल सर्विसेज की, हर व्यक्ति को पेपर देने के बाद लगता है मेरा हो जाएगा, पेपर तो अच्छा ही गया है, किसी को नहीं लगता मेरा पेपर नहीं निकलेगा, सबको लगता है मेरा निकल जाए, बिकॉज द एग्जामिनेशन इज नॉन टेक्निकल इन अप्रोच। तो जैसी आपकी कंडीशनिंग होगी, आप अपनी कंडीशनिंग से क्वेश्चन को इंटरप्रेट करोगे, इसीलिए सारे ऑप्शन ठीक होते हैं। दैट इज वाई यूपीएससी सेज जनरली वैसा क्वेश्चन नहीं देती जिसमें मतलब आप जो है सिर्फ मेमोरी बेस पे आंसर लगा दोगे, मेमोरी पे आप कुछ लगा ही नहीं पाओगे। तो 4 ऑप्शन ऐसे होते हैं उसमें वो बोलता है मोस्ट अप्रोप्रिएट, और जिनमें 4 ऑप्शन नहीं है अप्रोप्रिएट तो वो दूसरे तरीके से हैं, वो आपको और तंग करेंगे। तो इसीलिए डाउट पूछना, होलिस्टिक प्रिपरेशन चाहिए। ठीक है जी। अब जैसे मैं आपसे पूछूं डीके कर्वे कौन था, बताओ तुम लोगों में से, बिना कहीं देखे, बिना कुछ इधर उधर कुछ भी देखे, कुछ भी इधर उधर चीटिंग किए, डीके कर्वे कौन था? हमने मॉडर्न इंडिया में उसके बारे में कहां पढ़ा है? कुछ भी वर्ड बोलो, कुछ भी चलेगा, लेकिन कुछ बोलो, जल्दी बोलो। अरे बोल तो लो भाई, नहीं सुना है, हमने नहीं पढ़ा है, पढ़ा है, हैं? रिवोल्यूशनरी था कि ब्यूरोक्रेट था कि कोई कोई मॉडरेट लीडर था कि कोई विदेशी था, कौन है ये, हैं? डीके कर्वे ने क्या किया अगर याद आ रहा है? कोई मंदिर बनाया इसने, या इसने कोई किताब लिखी है, या ब्राह्मण समाज का लीडर था, कौन था ये, जल्दी बोलो। बोलो भाई साहब, कोई बोलता क्यों नहीं, आवाज नहीं आ रही मेरी, am I audible or not, am I audible, हेलो audible sir। तो ऑडिबल है तो यार रोहित, 1 घंटा क्यों लगा रहे हो सर? नहीं पता, मैंने याद सुना नहीं सर, मैंने ऐसा लगा मैंने सुना ही नहीं सर ये वाला नाम। अच्छा यस सर, मुझे लग रहा है क्योंकि याद नहीं कर पाना सर।
इसलिए कोई बात नहीं, होता है, नो प्रॉब्लम। लेकिन हमने इसका नाम लिया था महर्षि, महर्षि डोडो केशव पंत कर्वे, मैंने बताया था तुम्हें, डोंडो केशव पंत कर्वे, मैंने कहा था फर्स्ट यूनिवर्सिटी बनाई थी इसने पुणे में, इसको भारत रत्न भी मिला है, मैंने बताया था आपको। SNDT यूनिवर्सिटी बताई थी, श्रीमती नाथीबाई दामोदर यूनिवर्सिटी, हमने सोशल रिफॉर्म में नाम पढ़ा था, नहीं पढ़ा था? हाँ क्या, हेलो, ये नहीं बताया था सर, बताया होगा यार राजीव, कैसा है, क्या बात कर रहा है, महाराष्ट्र के केस में बताया होगा महाराष्ट्र। तो इसीलिए एक और हम तरीके से काम करेंगे, हमारी कोशिश होगी कि हम जितना कवर कर सकें अप्रैल फर्स्ट वीक तक, हम सेकेंड वीक तक हम सारा कवर जितना कवर कर सकते हैं। फिर मैं तुम्हें दो चार दिन के लिए क्वेश्चन चाहता हूँ कि तुम कुछ क्वेश्चन ब्रेनस्टॉर्मिंग करो, कुछ लिखो, कुछ रिवाइज करो, और फिर थोड़ा सा गैप देके फिर मैं उसको दोबारा फिनिश करूँ, ताकि पीछे का आगे से कनेक्टिविटी हो जाए पूरी। व्हाट डू यू से? ठीक है सर। भाई देखो, सारी चीज कंट्रोल में भी तो आनी चाहिए, मैं हायर लेवल पे भी तो लेके जाना चाहता हूँ, क्योंकि जब नेशनल मूवमेंट आ जाएगी ना तो चीजें और कॉम्प्लेक्स हो जाएंगी बहुत, तो मुझे कहानी नहीं सुनानी, इतने फैक्ट आ जाएंगे कि आप बम्बार्ड हो जाओगे। पहली बात तो मैं जानना चाहता हूँ, जो पहले दिन आपने बोला था कि भाई बेसिक हमारा जीरो है और एडवांस तक हमें जाना है, हम जा रहे हैं कि नहीं जा रहे, या अपने आप को ऐसे ही कथा कहानी सुना रहे हैं? जा रहे सर। तो राजीव जी हमने तो कहा था यार, डोडो केशव पंत करवे, किसी ने नोट्स बनाए हैं? नोट्स बना रहे हो रोज दोबारा जाके या नहीं बना रहे? अरे ये तो बता दो, नोट्स बना रहे हो नहीं बना रहे भाई? हाँ ना तो बोल दिया करो। बना रहे सर, बना रहे। सचिन जी फिर बना रहे हैं, या मतलब सॉरी राजीव जी बना रहे हो, तो फिर उसको उसमें आया होगा यार, वो तो कैसा बात कर रहा है, क्यों नहीं आया, याद कैसे नहीं आया? इसलिए मैं तो बहुत बार बोर्ड भी डाल देता हूँ सर। यूनिवर्सिटी कह रहा हूँ सर मैं, यूनिवर्सिटी बताई थी मैंने यार, SNDT यूनिवर्सिटी, इम्पॉसिबल है ना बुलाओ, मतलब प्लीज चेक द वीडियोस। तुम्हें मतलब मैं ये कहना चाहता हूं, मेरे बात का आश्रय समझिए, भूलना कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेमोरी से याद ना हो ये कोई प्रॉब्लम नहीं है एक या दो बार तक, लेकिन शार्पनेस होनी चाहिए मेमोरी में, शार्पनेस वो जरूर प्रॉब्लम है। कैसे आप, कितनी शार्पली आप परसीव करते हो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आप शार्पली परसीव नहीं कर रहे हो तो एग्जाम की हीट को नहीं झेल पाओगे आप, मेरा ये कंसर्न है आप सब लोगों से बस। बिकॉज समवेयर लेट मी टेल यू, समवेयर आई एम वेरी पैशनेट अबाउट टेलिंग द राइट थिंग्स, बिकॉज यू ऑल आर वंडरफुल पीपल एंड यू मस्ट बी गिवन द बेस्ट अपॉर्चुनिटी टू डू बेस्ट इन योर लाइफ इन द गिवन सर्कमस्टेंसेस, दैट इज वॉट माई कंसर्न इज, आई होप यू गेट माई पॉइंट। अब एक और क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, चलो ये बताना, अहमदिया मूवमेंट, अहमदिया मूवमेंट वॉज बेस्ड ऑन ऑर्थोडॉक्स प्रिंसिपल्स, बोलो। यस सर। अहमदिया मूवमेंट वॉज बेस्ड ऑन ऑर्थोडॉक्स प्रिंसिपल्स, ट्रू की फॉल्स? राजीव ने बोला ट्रू, और कोई कुछ बोलेगा? सचिन भाई आज कहां बैठा है? तो घर पे, तो भाई बोल ले फिर, तो खाना खाया था? यस। कितना सर, जितनी भूख होती उतना ही खाया जाता। हाँ क्या कह रहे सर, जो अहमदिया मूवमेंट थी ये ऑर्थोडॉक्स नहीं थी शायद, जितना एक तो यार तू तो बीच में रहा कर, शायद थोड़ा सा, ये नहीं कि कॉन्फिडेंटली एकदम पोलाइटली आप बोले एक सेंटेंस में, एक एक स्टैंड लो। अहमदिया मूवमेंट ऑर्थोडॉक्स थी कि नहीं थी? नहीं थी सर। नहीं थी, बिल्कुल खुशबू जी धन्यवाद, 100% ऑर्थोडॉक्स नहीं थी, लिबरल मूवमेंट है ये। आप सचिन, सचिन ने बताएगा लिबरल क्यों है। पता है सबका मतलब क्या है?
इन सब का मतलब है कि मेरे लाख कोशिश के बावजूद भी आप जो है मेरे साथ नहीं हो। सर साथ ही हैं, थोड़ा सब याद ही करे, ये उसके साथ ही चली थी। अरे याद करने को तो मैं कुछ कह ही नहीं रहा, मैंने बोला आज तक तुम्हारी याद करने पे कोई क्वेश्चन उठाया याद करने पे? 90% चीजें याद करने की है ही नहीं, समझने की है। सर फिर इसके साथ में जो मूवमेंट थी वो कौन सी थी, जो ऑर्थोडॉक्स थी? कोई भी हो चाहे वो, अभी तो हम इसकी बात कर रहे हैं। अहमदिया मूवमेंट अपनी जगह है। अरे यार एक फिल्ट्रेशन का माइंड का प्रोसेस होता है। नहीं थी ऑर्थोडॉक्स सर, ये ऑर्थोडॉक्स नहीं थी। देवबंद आप कह लो ऑर्थोडॉक्स है, उसके बाद आपकी इस्लामिक मूवमेंट में जो है अलीगढ़ मूवमेंट ऑर्थोडॉक्स है, ये कहाँ ऑर्थोडॉक्स थी? तो यूपीएससी क्या करेगा, जितना आपने पढ़ रखा है उसमें से एक की वर्ड उठाएगा और अपना सेंटेंस बनाएगा, बस खत्म बात। इतना सिंपल सेंटेंस बनाएगा कि आप याद करते रहे ना, मैंने कब पढ़ा था, मैंने ये पढ़ा था, मैंने वो पढ़ा था। जैसे इस साल 2021 में ना एक क्वेश्चन आया, फिल्डर फीडर्स, क्या आया लास्ट ईयर अक्टूबर में जो पेपर हुआ था ना, उसमें एक कॉन्सेप्ट आया था फिल्टर फीडर्स का। क्या? फिल्टर फीडर्स का, हाँ फिल्टर फीडर्स एक एनवायरमेंट का एक कॉन्सेप्ट है। तो ये चौथी पांचवी के बच्चे को भी पता है आज की डेट में, और उसमें सिर्फ एक ही ऐसा ऑप्शन था क्योंकि उन्होंने एबीसीडी दिया था, जिसको थोड़ी सी भी बुद्धि है ना वो फटाफट उस ऑप्शन को राइट मार देगा, इसके लिए कोई डीप स्टडी चाहिए ही नहीं। जो ऑयस्टर्स होते हैं, ऑयस्टर्स शंख, वो फिल्टर फीडर्स होते हैं, यानी कि वो एक्सेसिव पोल्यूशन, एक्सेसिव नाइट्रोजन सबको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन तो एक अलग कॉन्सेप्ट है। कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन में आप कार्बन को स्टोरेज में करते हो, आप किसी तरह से कार्बन को आप कहीं बांध सको ताकि वातावरण में से कार्बन ऐसे करके आप अंदर स्क्वीज कर जाओ, वो सिक्वेस्ट्रेशन अलग चीज है। जैसे ओशियन कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन के अड्डे हैं, जैसे कोरल रीफ्स होती हैं सर। क्या? कोरल रीफ्स। कोरल रीफ तो बेचारे खुद ही झेल रहे हैं, हाँ ठीक है, सारे के सारे ना, वो तो फॉरेस्ट भी है। अमेजन फॉरेस्ट को अर्थ का लंग क्यों कहा जाता है? व्हाई दे आर कॉल्ड द लंग्स ऑफ अर्थ? क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं, ऑक्सीजन छोड़ रहे हैं। आप पेड़ कम कर दोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा जाएगी, कम रह जाएगी। ये तो फाइट है, ये कॉन्स्टेंट एक फाइट है। एक एक लिमिटेड एरिया में धान की खेती इतना कार्बन उड़ा देती है कि पूछो मत, क्योंकि उसमें पानी इतना सारा चाहिए और उसको इट इज अ वाटर इंटेंस क्रॉप। इसीलिए यूपीएससी आपसे पूछता है, अल्टरनेटिव्स पूछता है आपसे। 20 से 25 क्वेश्चन तो आने ही आने हैं हर हालत में एग्रीकल्चर और इस सारे एरिया से, और उसमें कोई ऐसी किताब नहीं है। वो एक प्रोसेस है थिंकिंग का, कुछ कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए और थिंकिंग होनी चाहिए। तो हिस्ट्री में भी थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन ही आते हैं, तो इसलिए मेमोरी पे मत जाइए, थिंकिंग पे जाइए। जैसे एक और लास्ट क्वेश्चन मैं पूछ के आपसे बता देता हूं, आपको आंसर देना है, मैं क्वेश्चन बोल रहा हूं सिर्फ। अकॉर्डिंग टू सत्य शोधक समाज, व्हाट इज सत्य, क्या है सत्य उसके हिसाब से बताओ। अकॉर्डिंग टू सत्य शोधक समाज, सत्य इज बता दो भाई, ये तो सत्यशोधक समाज वर्ड सुना है yes, तो बता, बोलते क्यों नहीं हो? जो भी उन्होंने ने की थी सत्यशोधक समाज सर, उन्होंने सामाजिक बुराइयों को दूर करने की बात की थी पहले बजाय। सत्य क्या है? सत्य क्या है मैंने पूछा, सत्यशोधक समाज का सत्य क्या है? समाज में सोशल इक्वलिटी की बात करता है सर। हाँ बिल्कुल सही बोल रहा है, वेरी गुड। और कुछ? हाँ राइट्स सर, राइट्स। क्या राइट्स?
सर सत्य मीन्स राइट्स, जैसे हाँ, जो दिव्य फूले हैं उन्होंने भी जो भी राइट्स से रिलेटेड ही चीजें करी थी और बोली भी थी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, और कोई कुछ बोलेगा? सर वुमेन्स और शूद्र के लिए मतलब अंडर प्रिविलेज ग्रुप्स, मतलब पूरी एक तरह से एक इक्विटी लाना उन सब के लिए। हाँ ठीक है, बिल्कुल सही बात है कि जैसे मुझे किसी ने बोला कि भाई वो सोशल रिवॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, वो रिचुअल पोल्यूशन के अगेंस्ट हैं, है ना? यस सर। क्यों जी? हाँ तो बस आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ाना है सबको और की वर्ड्स को पकड़ना है, और एक भी दिन पढ़ाई हो या ना हो, पढ़ाई का इंटरेस्ट और इंक्लिनेशन नहीं छोड़ना है। अगर खाना भी खा रहे हो तो बैक में पढ़ाई चलनी चाहिए। पढ़ाई किताब खोलने से पढ़ाई स्टार्ट नहीं होती। अगर आपकी किताब खोलने से पढ़ाई स्टार्ट हो रही है तो पढ़ाई नहीं हो रही है। किताब का पढ़ाई से नहीं है, बहुत कम लेना देना है। ठीक है जी? Yes, और किसी को कुछ कहना है? और नाम आगे चलते हैं। तो वी हैव फिनिश्ड ऑल दीज थिंग्स। अगर एक ओवरव्यू ले, जैसा मैंने बोला कि अप्रैल सेकेंड वीक में मैं ये चाहता हूं कि, मैंने अपने दूसरे ऑप्शन में भी यही बोला कि भाई एक सिस्टमेटिक अप्रोच से जो हमने किया उसको करेंगे। तो आप जब तक कुछ, हम कुछ आंसर लिखेंगे, आप कोशिश करोगे, कुछ रिवाइज करोगे, नोट्स को स्ट्रीमलाइन करोगे, है ना, और डेली के कुछ आंसर सबमिट करोगे। बोलो जी, मंजूर है तो? ओके सर। क्या कह रहे हैं सचिन जी? ओके सर। हाँ मंजूर है सर। नहीं ऐसे दुखी हो के इतना मंजूर में, तो तुम ऐसे कह रहे हो जैसे तुम स्लेव्स हो। अच्छे से आना चाहिए ना चीज। तो पॉइंट इज दैट कि आपको कॉन्सेप्ट समझना है, चीजों को लिंक करना है, नहीं तो हमें दिक्कत होगी। इसलिए पूछिए, चार बार पूछिए, दस बार पूछिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पूछने के पीछे भी एक सिस्टम होना चाहिए। तो जब हम बात करते हैं, देखो हमने क्या क्या बात कर ली। हमने बात कर ली 18th सेंचुरी की, हमने बात कर ली मराठास की, हमने बात कर ली मुगल्स की, हमने बात कर ली ईस्ट इंडिया कंपनी, डच, फ्रेंच, हमने बात कर ली पुर्तगीज, हमने बात कर ली बंगाल, हमने बात कर ली बिगिनिंग ऑफ द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन, हमने बात कर ली 1773, 1784, 1793, 1813, 1853, 1861 तक हमने बात कर ली। कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट भी हमने पूरा देख लिया। देख लिया कि नहीं देख लिया? हेलो, मैंने कहा देखा है कि नहीं देखा है, या मैं अपने आप को बता रहा हूँ? यस सर देखा है। हाँ, उसके बाद फिर हमने देखा, उससे पास हमने देखा इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड जो ब्रिटिश के कॉन्सिक्वेंसेस हैं, हमने एडमिनिस्ट्रेशन देखा, हमने सिविल सर्विसेज देखा, हमने उसके बाद जो है रेवेन्यू सिस्टम भी देखा, फिर हमने जो है सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स भी देखे, और उससे पहले हमने जो है अपराइजिंग्स देखी, और उसके बाद हमने जो है 1857 का रिवोल्ट भी देखा, फिर हमने वर्कर्स मूवमेंट्स भी देखे, प्रेजेंट मूवमेंट का हमने कुछ पोर्शन किया, कुछ करेंगे। ठीक है जी? और इस तरह से हम कहां पहुंच जाते हैं? पॉलिटिकल एसोसिएशंस, यानी कि राइज ऑफ नेशनल कॉन्शियसनेस।
राइज ऑफ नेशनल कॉन्शियसनेस, यानी कि अब मैं आपसे ये बोलना चाहता हूं या पूछना चाहता हूं, इफ आई से एजुकेटेड मिडिल क्लास responded in the same way to the British rule as tribals, true ki false? Sir, repeat karna ek baar. Yaar, ek to ek hi baar mein sun liya tha, mere ko yaad hi nahi rehta. Ab jo question maine bol diya, so yaad kaun rakhega? लेकिन फिर भी द एजुकेटेड मिडिल क्लास, हाँ हेलो आ रही आवाज? हाँ जी सर. द एजुकेटेड मिडिल क्लास रिस्पॉन्डेड टू द ब्रिटिश रूल इन द सेम वे लाइक द वे ट्राइबल्स रिस्पॉन्डेड. False is or false? Now, very good. Ye false hai ye. So tell me the ways. Tell me 2-3 ways by which you can say how middle class responded to the British rule. Sir, educated people, jo educated people the, unka batana hai. Sir, education ko promote karke. वेरी गुड. और वुमेन की पोजीशन को इंक्रीज करके, सतीव्रत प्रथा अबोलिश करके. नहीं, हमने कहा है ईस्ट इंडिया कम ब्रिटिश रूल को कैसे रिस्पॉन्ड किया उन्होंने, बड़ा बताओ ना, बड़ा बड़ा वर्ड यूज करो. जो उनकी मॉडर्निटी थी उसको अपनाकर, और जो उनके जो पॉलिटिकल इश्यूज थे उसमें उनका मतलब साथ देकर, जो ट्राइबल से या जो भी थे उनकी तरफ ना जाकर उनके साथ में खड़े होने का. ओके, सो चलिए, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि एक तरीका था दे रिस्पॉन्डेड बाय अंडरस्टैंडिंग हाउ modernity and western ideas can be utilized, but they were not violent in nature, correct? They were not violent, yes. Violent in nature. Do you agree with me or not? Yes sir. Yes. To chaliye fir hum pehle to hum dekhiye ye dekhte hain ki iska matlab hai nationalistic consciousness aayi na. Yes, sir. नेशनलिस्टिक कॉन्शियसनेस आई इसके लिए भी कई लोग कई अलग अलग बातों को जिम्मेदार मानते हैं. पहला कोई बोलता है ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन ने भारत को इंटीग्रेट किया. अगर ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन ना होता तो भारत के टुकड़े हो जाते. एक कहता है कि ब्रिटिश इंफ्रास्ट्रक्चर ने भारत को यूनाइटेड किया. अगर रेलवेज ना होती तो भारत के एक हिस्से के व्यक्ति दूसरे हिस्से में ना जा पाते. फिर किसी ने बोला पोस्टल सिस्टम ने इंटीग्रेट किया कि कैसे तिलक साउथ इंडिया लेटर लिख पाते अगर मान लो मॉडर्न पोस्टल सिस्टम ना आता. फिर किसी ने बोला कि ब्रिटिश के जो स्कूल कॉलेजेस या जो सिस्टम स्टार्ट हुआ उसकी वजह से हुआ. अगर वो ना होता तो मॉडर्निटी की वजह से हम नेशनलिस्टिक कॉन्शियसनेस ना आ पाती. फिर किसी ने बोला कि नेशनलिस्टिक कॉन्शियसनेस जाने का एक तरीका क्या था, मॉडर्न बुक्स और प्रिंटिंग प्रेस. अगर ये ना होता तो भारत फिर भी एक ना हो पाता. फिर किसी ने बोला कि इंडियंस जो हैं वो इन्फ्लुएंस हुए थे बाहर के आइडियाज से, इसीलिए जो है वहां पे नेशनलिज्म आया. ठीक है जी. तो ब्रिटिश रूल का क्या कहना है, दैट नेशनलिज्म
और द कॉन्शियस जो आई वो हमारी देन है, इट इज आवर गिफ्ट। हम ना होते तो नेशनलिस्टिक कॉन्शियसनेस ना आ पाती। उन्होंने बोला कि इंडिया में कोई एक सिंगल कम्युनिटी नहीं थी, इंडिया में मल्टीपल कम्युनिटीज हैं, जबकि इंग्लैंड में तो सिंगल कम्युनिटी है। दैट इज व्हाई इंडिया में एक नेशनलिस्टिक मूवमेंट नहीं हो सकती, इसीलिए एक लीडर नहीं हो सकता। इफ गांधी लीडर है तो गांधी को फॉलो करने वाले जो है ना वो उसके सबऑर्डिनेट्स हैं, बेसिकली वो जो है ठेकेदार हैं, वो क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं, मास को रिप्रेजेंट नहीं करते। इसीलिए यदि हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव, हमारी सिविल सर्विसेज ना हो तो इंडिया जो है कभी भी नेशनलिस्टिक आइडियाज में मूव नहीं कर सकता। दूसरा, इंडिया के अंदर जो हमने एक मॉडर्न स्ट्रक्चर तैयार किया, वो स्ट्रक्चर ने ही मजबूर किया गांधी जैसे लीडर्स को और बाकियों को कि दैट दे मस्ट लर्न हाउ टू गवर्न देमसेल्व्स। हमने इसीलिए एक ऐसा स्ट्रक्चर सिस्टम बनाया, हमने याद दिलाया इंडियंस को कि व्हाट इज ए नेशन एंड हाउ दे मस्ट बिहेव। दैट इज व्हाई इट इज नॉट अ नेचुरल प्रोसेस इन इंडिया। ओके अब आप बताओ आप लोग कितने किस हद तक इससे सहमत हो? सर बात तो सही की है सारी की सारी। सारी तो सही नहीं है सर। खुशबू जी सारी तो सर बोलो बोलो अब क्वेश्चन अराइजेज, अगर ये ऊपर वाली सारी बात सही है तो देन कॉलोनियल रूल इज नॉट देयर इन इंडिया। और ये कॉलोनियल रूल अगर इंडिया में है ही नहीं तो फिर लड़ाई कैसी? इसका मतलब ये है दैट ब्रिटिश जस्टिफाइड देयर रूल एंड प्रेजेंस इन इंडिया। लेकिन टेरिटोरियल तौर के ऊपर और स्पिरिचुअल तौर के ऊपर और इमोशनल तौर के ऊपर इंडिया वॉज एन इंटीग्रेटेड कल्चरल लैंडमार्क। India was an integrated cultural landmass. क्या सर ये तो रिपीट करना समझ नहीं आया। कहाँ से समझ नहीं आया? सर ये जस्टिफाई करता है उसके बाद। अगर आप वो जस्टिफाई कर देते हो तो, लेकिन अगर हमें ये भी देखना पड़ेगा कि इंडिया जो है एक टेरिटोरियल तौर पे, इमोशनल तौर पे, स्पिरिचुअल तौर पे बहुत कई कई हजार साल से एक इंटीग्रेटेड लैंडमार्क था। नहीं ऐसा तो नहीं है सर। क्या ऐसा तो नहीं है सर? अच्छा तो अगर ऐसा नहीं होता तो अशोकन एडिक्ट्स हमें नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस से लेकर
उत्तराखंड से लेकर कर्नाटका तक नहीं मिलने चाहिए थे। दूसरी बात, भारत में एक ही तरह के त्योहार अलग अलग रूपों में जगह जगह नहीं बनने चाहिए थे, समझे? एक ही तरह के त्योहार अलग अलग जगह नहीं बनने चाहिए थे, वो तो बनते हैं। तो मतलब इनका ये कहना है कि ब्रिटिशर्स ने यूनाइट किया है, उन्होंने ही नहीं करा, वो पहले से ही था इंटीग्रेटेड। अगर ऐसा ना होता तो अकबर के समय में रामायण और महाभारत के ट्रांसलेशन नहीं होते। अगर ऐसा ना होता तो भक्ति मूवमेंट पूरे भारत में ना होती। अगर ऐसा ना होता तो रामायण और महाभारत पूरे भारत में अलग अलग भाषाओं में ट्रांसलेट होकर उनके कल्चर का हिस्सा ना बनता। अगर ऐसा ना होता तो हमारे यहाँ पे जो डिफरेंट डिफरेंट कल्चरल यूनिट्स हैं वो ना होती। अगर ऐसा ना होता तो हमारे जो काव्य पोएट्री और ग्रंथ हैं, एपिक्स हैं, वो पूरे भारत की ज्योग्राफी का वर्णन ना करते। अगर ऐसा ना होता तो वेदास के अंदर राष्ट्र शब्द ना आता। अगर ऐसा ना होता तो ज्योग्राफी की बात वहां पर ना होती। और अगर ऐसा ना होता तो इंडिया शब्द जो है ग्रीक को देना ना पड़ता, जो उन्होंने इंडस रिवर से दिया और इंडस को नाम सिंधु से पड़ा और उसी से हमारा हिंदू पड़ा। तो इसीलिए मॉडर्न नेशन स्टेट हम पहले से नहीं थे, किंतु टेरिटोरियल तौर के ऊपर हम पहले भी यूनाइटेड रहे हैं। ऐसा ना होता तो शिवाजी, तिलक, इन्होंने स्वराज्य की बात की, जो कि भारत की उसका भूमि का मूल मंत्र रहा है। दैट मीन्स ब्रिटिश रूल फैसिलिटेटेड सर्टेन थिंग्स, बट देन देयर हैड बीन वर्स कॉन्सिक्वेंसेस इन सो मैनी अदर एरियाज। सो नेशनलिस्टिक कॉन्शियसनेस तो भारत में जागी, बट द क्वेश्चन अराइजेज कि वो कैसे जाग रही है और क्या कर रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसी डायरेक्शन में फिर आपका आंसर जाएगा, क्योंकि पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस यदि ब्रिटिश के सिर्फ इंस्पिरेशन से बनी हैं, सो दे विल बी रिएक्शन अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल, एंड इफ दे आर रिएक्शन अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल, देन डेफिनेटली इंडियन नेशनल मूवमेंट इज नॉट अ नेचुरल एंड ऑर्गेनिक प्रोडक्ट। बट बिकॉज इट इज अ नेचुरल एंड ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, दैट इज वाई इट इज सेक्युलर इन नेचर। लेकिन फिर भी अपनी इनहेरेंट, अपनी लिमिटेड मिस्टेक्स या वीकनेसेस के कारण एंड वेस्टेड इंटरेस्ट्स और एक्सप्लॉयटेशन के कारण देयर विल बी कॉन्सिक्वेंसेस, एंड द बिगेस्ट कॉन्सिक्वेंस वॉज पार्टीशन ऑफ बंगाल इंडिया। बंगाल सर, बंगाल नहीं इंडिया। अच्छा, ओके सर। बंगाल का पार्टीशन हो गया तो दोबारा हो गया था ठीक ठाक, उसमें क्या दिक्कत है? तो इसीलिए बात को समझो, समझोगे तो याद अपने आप ही हो जाएगा। जैसे बर्थडे याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती, ऐसे ही इसको भी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, बर्थडे याद रखते हो ना अपने आप ही? क्यों? मैंने कहा बर्थडे याद रखते हो नहीं रखते अपने आप? सर अपना ही याद रहता है।
वाह गजब यार तुम लोग। अच्छा ऑलरेडी मतलब अपना ज्यादा हो गया फिर तो ना, ब्रिटिश बन गए तुम। ब्रिटिश भी को अपना ही ध्यान था। अगर आप अपना ध्यान देते हुए तो नोटिफिकेशन आ जाती है ना बर्थडे की याद रखने की ना, वो देखिए वो तो ऑटो मोड है, वो तो एक कंज्यूमरिज्म और वो तो फालतू है, मतलब वो तो नोटिफिकेशन से बर्थडे का देना भी वही है फिर तो लेना भी वही है। सुनने वाले को भी पता है नोटिफिकेशन से ही भेजा है और लेने वाले को भी पता है नोटिफिकेशन से ही भेजा है, तो इंसान इन्वॉल्व नहीं है उसके अंदर। लेकिन एग्जामिनेशन जो का जो पेपर है ना उसके अंदर ऐसा नहीं हो सकता, उसके अंदर आपको इन्वॉल्व होना ही पड़ेगा। ऐसे भी कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आपको बताना चाहते हैं कि आप कहाँ गलत कर रहे हो, जबकि इस एग्जाम में सिर्फ एक ही चीज की जरूरत है, इंटेलिजेंस की, आर्टिफिशियल की जरूरत नहीं है। सर एक क्वेश्चन था, बताओ। सर जो अभी तिनोली में चीजें मिल रही है, बहुत जगह मिल रही है सिर्फ वहां नहीं, बट तिनोली में सर काफी चीजें पाई गई है तो। अरे आपको आप वो पढ़ रहे हो ना, वरना राखी गढ़ी में भी बहुत चीजें मिली हैं। हाँ बताओ आगे। तो सर उससे हो पाएगा, मतलब क्या हो पाएगा, मतलब हो पाएगा क्या हो पाएगा सर, ये जो आर्यन द्रविडियन जो थ्योरी थी उसको चैलेंज करेंगे क्या जिस नॉलेज की। अच्छा ये वाली बात आप देखिए, ये क्या है, ये एक ऑनगोइंग प्रोस्पेक्ट होता है। जो थ्योरी है आर्यन और द्रविडियन वाली, वो भी एक वो नहीं है कि वो लास्ट पॉइंट है, उसके अंदर भी ये तो ट्रू है कि देर हैड बीन माइग्रेशन फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ऐसा हम बोलते हैं। इसीलिए साउथ के अंदर फोर वर्णा सिस्टम नहीं आया वैसे जैसे नॉर्थ में है। साउथ की एक अपनी आइडेंटिटी रही, साउथ का अपना एक कल्चरल वो रहा, बेस रहा, ऐसा हमें संगम लिटरेचर से पता चलता है। लेकिन अगर मान लो अभी तो पहली बात इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो स्क्रिप्ट है वो डिसाइफर ही नहीं हुई है, स्क्रिप्ट तो है पर डिसाइफर नहीं है वो, दैट इज द ह्यूज एंड होल प्रॉब्लम। और अगर वो मान लो डिसाइफर हो जाए तब की बात है कि भाई वो क्या कहते हैं क्या नहीं है हमें पता ही नहीं चला अब तक, इतनी कोशिश कर ली उसकी। महादेवन साहब थे उसके एक बहुत ही तगड़े प्रोपोकेटर और जिन्होंने बहुत सारा रोल भी प्ले किया पर वो नहीं रहे। तो दीज थिंग्स आर एन ऑनगोइंग प्रोसेस। एग्जामिनेशन आपसे कभी भी ब्लैक एंड व्हाइट नहीं पूछेगा, इट इज नॉट गोइंग टू आस्क यू ब्लैक एंड व्हाइट। आप बात समझ रहे हैं मेरी, आपसे ब्लैक एंड व्हाइट नहीं पूछा जाएगा उसके अंदर। और बताइए और कोई डाउट। तो सबसे पहले जब हम बात करते हैं कॉन्शियसनेस की, तो सबसे पहले कॉन्शियसनेस की जब हम बात करते हैं तो आता है आपका डिफरेंट काइंड ऑफ पॉलिटिकल एसोसिएशंस, यू नो डिफरेंट काइंड ऑफ पॉलिटिकल एसोसिएशंस। और जो वो डिफरेंट काइंड ऑफ पॉलिटिकल एसोसिएशंस हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ पॉलिटिकल एसोसिएशंस हैं, ओके ये लगा लीजिए, वो डिफरेंट काइंड ऑफ पॉलिटिकल एसोसिएशंस जो हैं वो हमें शो करती हैं कि हाउ इंडियन नेशनल मूवमेंट वाज गोइंग टू मूव फॉरवर्ड, ओके हाउ इंडियन नेशनल मूवमेंट वाज गोइंग टू मूव फॉरवर्ड। जैसे जैसे हम कहना चाहते हैं सबसे पहले आई मान लो 1836 में आई, बंग भाषा प्रकाशिका सभा,
1836 बंग भाषा प्रकाशिका सभा, ओके वो एक पॉलिटिकल एसोसिएशन थी, राजा राममोहन राय उसके प्रतिपादक थे, उनके साथ और भी लोग थे। द एम वॉज टू डिस्कस गवर्नमेंट पॉलिसी एंड सीकिंग द रिड्रेसल थ्रू पिटिशन एंड मेमोरेंडम। मेमोरेंडम के थ्रू, पिटिशन के थ्रू जो भी दिक्कत है, जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व किया जाए और ब्रिटिश को एक मौका दिया जाए, उनको उनको उनके लिए एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया जाए। ऐसा काम किसने किया शुरू में, सबसे पहले किसने किया? बंग भाषा प्रकाशिका सभा। उससे पहले हम ऐसी कोई बॉडी के बारे में नहीं जानते हैं, उससे पहले हम ऐसी किसी बॉडी के बारे में नहीं जानते हैं। यही एक पहली ऐसी बॉडी थी जिसने जो है सारी चीज को किया, ठीक है जी। बंग भाषा प्रकाशिका सभा 1836। अब लेकिन इसमें मासेस का इन्वॉल्वमेंट होगा? नहीं होगा। इसके अंदर अब मासेस का इन्वॉल्वमेंट होगा? नहीं होगा। दूसरा हम कहना चाहते हैं कि इसके अंदर जो है सब लोग इसके अंदर जुड़ेंगे, बताइए सब लोग जुड़ेंगे कि नहीं जुड़ेंगे? भाई सब लोग जुड़ेंगे इसके अंदर? नहीं सर, सब लोग नहीं जुड़ेंगे। तो आपको वो अप्रोच देखनी है, शुरू में जो है इट इज गोइंग टू बी क्लास ओनली, इट इज नॉट गोइंग टू बी मासेस, इट इज ओनली गोइंग टू बी क्लासेस, इट इज गोइंग टू बी स्पेसिफिक पीपल। तो दैट इज वाई बंग भाषा प्रकाशिका सभा इज द फर्स्ट एग्जाम्पल इन दैट डायरेक्शन। इट इज द फर्स्ट डायरेक्शन, इट इज द फर्स्ट एग्जाम्पल, और वो इंपॉर्टेंट भी है अपनी जगह, वो अपनी जगह इंपॉर्टेंट भी है। ऐसे ही 1838 में एक और बॉडी आएगी, उस बॉडी का नाम होगा लैंड होल्डर सोसाइटी। क्या नाम होगा? लैंड होल्डर्स सोसाइटी, लैंड होल्डर सोसाइटी। आप नाम से देखिए, नाम क्या है? नाम है लैंड होल्डर सोसाइटी, गॉट इट? लैंड होल्डर सोसाइटी इज द नेम, बिकॉज इट वॉन्ट टू रेज द इश्यूज एंड आइडियाज बाय विच एक ग्रुप है जो, एक क्लास है जो, उसका वो किया जा सके। सारा जमींदारी एसोसिएशन भी कह सकते हैं, बाद में कहेंगे इसको, नाम बदलते जाएंगे। लैंड होल्डर सोसाइटी बनेगी 1838 में, जैसे बंग भाषा प्रकाशिका सभा जो है आपकी चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में क्या हुआ उसको लेके आएगी लिख लिख के, ऐसे ही आपकी लैंड होल्डर सोसाइटी भी वही काम करेगी। जमींदारी एसोसिएशन उसका नाम हो जाएगा, बंगाली में जैसे जमींदारी एसोसिएशन नहीं कहेंगे, इंग्लिश के लिए लैंड होल्डर सोसाइटी कहा जाएगा, और वो फाउंड करेंगे द्वारकानाथ टैगोर और राधाकांत देव जिनका नाम हमने पढ़ा था। द्वारकानाथ टैगोर और राधाकांत देव जिनका हमने नाम पढ़ा था वो इसके बारे में कार्य करेंगे। आप समझे मेरी बात को? और उन लोगों का गोल क्या होगा? वही जैसा मैंने कहा, उन लोगों का गोल होगा कि जो भी ब्रिटिश के वो हैं चीजें हैं, जो भी पॉलिसी है, जो भी प्रोग्राम है, उनको वो दिखाएं, उनको वो बताएं। आप समझे मेरी बात को? सारी चीज को वो दिखाएं, उनको बताएं, चीजों को होल्ड करें, सिस्टमेटिक अप्रोच से चीजें करें, ये वो करते जाएंगे। अब लेकिन क्या वो मासिस के मुद्दे उठाएंगे? आप सोचिए, ऐसा पॉसिबल है? नो सर। हाँ, क्या वो इंडिपेंडेंस की बात कर सकते हैं? नो सर। क्या वो वायलेंट आइडियाज की बात कर सकते हैं? कर सकते हैं सर, वायलेंट आइडियाज की बात सर, देश हित में नहीं करेंगे सर। हाँ, वायलेंट आइडियाज की बात नहीं करेंगे सर। मेरे को आवाज ब्रेक हो गई, क्या कह रहे हैं? हेलो, बताइए, वायलेंस हो सकते हैं, वायलेंट हो सकते हैं, नहीं हो सकते सर? हो सकते हैं, पर इंडिया के फेवर में नहीं होंगे, पर्सनल इंटरेस्ट के तौर पर होंगे। ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट वायलेंस नहीं हो सकते सर, नहीं हो सकते। वो कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जो कि उन्हें वायलेंट शो करे किसी भी प्रकार से, वो नहीं करेंगे ऐसा, इसलिए वो नॉन वायलेंट ही रहेंगे, मैं इसीलिए आपको बता रहा हूँ। लेकिन क्या आप कह सकते हैं कि ये फर्स्ट टाइम होगा ऑर्गेनाइज पॉलिटिकल एक्टिविटी होगी?
ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकल एक्टिविटी। हाँ यस सर, ऑर्गेनाइज्ड और होगा सर, बिल्कुल वो ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकल एक्टिविटी का पहला एग्जांपल है ये। लेकिन ना मासेस की बात उठाएंगे ना कुछ और करेंगे, ये सब नहीं कर पाएंगे वो, ये आप बात अच्छे से समझ लीजिए। ऐसे ही एक और बॉडी बनेगी, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। क्या? बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी 1843। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी कब बनेगी? 1843। ठीक है जी, उसका भी रोल यही होगा। हाँ थोड़ा सा बस ब्रॉड हो जाएगा। देखो नाम में क्या फर्क आया, नाम में क्या आया? इंडिया बंगाल, नहीं नहीं इंडिया आया, लेकिन हाँ बिल्कुल इंडिया आया, एग्री विद यू, लेकिन बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, यानी थोड़ा वाइडर पर्सपेक्टिव होगा, थोड़ी बहुत कोशिश होगी कि भाई चीजें हो जाएं, और थोड़ा थोड़ा वो ऐसे मुद्दों को उठाने लगेंगे जो मुद्दे जो हैं पूरे इंडियंस के फेवर के होंगे। तो लेकिन जो भी वो मुद्दे उठाएंगे, मैं जानना चाहता हूँ क्या वो मुद्दे जो हैं आई मीन टू से, क्या वो मुद्दे लॉफुल तरीके से पीसफुल तरीके से उठाए जाएंगे कि कैसे उठाए जाएंगे? पीसफुल तरीके से उठाएंगे सर। हाँ पीसफुल तरीके से उठाएंगे और लॉफुल तरीके से ही उठाएंगे, इसीलिए हम कह रहे हैं कि पहली बार ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकल एक्टिविटी हमने करनी सीख ली। ओके ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकल एक्टिविटी हमने करनी सीख ली। अब उसके बाद एक और बॉडी बनेगी 1851 में, उसका नाम क्या होगा? 1851 में एक बॉडी बनेगी, उसका नाम होगा ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। क्या नाम होगा? ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। ठीक है जी, अब जो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन है उसका रोल क्या है? उसका रोल है ना सिर्फ लैंड होल्डर, यानी पहले जो दोनों बॉडी थी कौन कौन सी, लैंड होल्डर सोसाइटी और ब्रिटिश बंगाल सोसाइटी, दोनों को मर्ज कर दिया, लैंड होल्डर सोसाइटी बंगाल ब्रिटिश सोसाइटी को मर्ज कर दिया गया, और मर्ज करने के बाद उन्होंने उसको बना दिया। क्यों जी? मर्ज करने के बाद उन्होंने उसको बना दिया। इनके फाउंडर कौन थे? किनके फाउंडर? बंगाल और ब्रिटिश, बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी में तो वही लोग जुड़े हुए ना, द्वारकानाथ टैगोर, राधाकांत देव। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन जब आएगी तो इसमें और भी लोग जुड़ने लग जाएंगे, जो भी और मिडिल क्लास है, जो भी और फेमस लोग हैं बाद में इससे इंस्पायर, आपके सुरेंद्रनाथ बनर्जी भी इंस्पायर होंगे। जो स्थापना करी थी वो किसने करी थी? किसकी? बंगाल ब्रिटिश इंडिया की। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी भी लैंडलॉर्ड्स ही होंगे, मतलब उनका नाम क्यों आता फिर? जॉर्ज थॉमसन का, द्वारकानाथ टैगोर का नहीं सर, जॉर्ज थॉमसन, जिन्होंने इसकी स्थापना करी थी। जॉर्ज थॉमसन का नाम यार इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो एक, अभी हम ऐसे कुछ फॉरेनर्स के बारे में हम भी बात करेंगे जब हम मॉडरेट्स की बात करेंगे कांग्रेस के फॉर्मेशन के टाइम पे, कि वो लोग जो है, जब आप हिस्ट्री को कई रूप से पढ़ते हो, लेकिन इम्पॉर्टेंट क्या है कि जिन्होंने हमारी तरफ कंट्रीब्यूशन किया। तो जॉर्ज थॉमसन का नाम इसलिए आ जाता है कि व्हेन यू आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग टूवर्ड्स इंडियाज वेलबींग, व्हेन यू आर हेल्पिंग, जैसे आप एनी बेसेंट है उसका नाम भी आ जाता है ऐसे तो। लेकिन एग्जामिनेशन आते हैं एक आध दो क्वेश्चन ऐसे, लेकिन एग्जामिनेशन वांट्स नाउ टू मूव बियॉन्ड सिर्फ फैक्चुअल ऑब्जेक्ट्स, इसलिए मेंस के एग्जाम में भी क्वेश्चन आ जाता है कि उन फॉरेनर्स का नाम बताइए जिन्होंने नेशनल मूवमेंट में कंट्रीब्यूशन किया, वुमेन का बताइए जिन्होंने नेशनल मूवमेंट में कंट्रीब्यूशन किया। तो वो तो एक फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है और कई बार वो करेक्ट भी नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से पहले बताया गया है जरूरी नहीं है कि वही अप्रोच करेक्ट हो, जरूरी नहीं है कि वही अप्रोच करेक्ट हो। ओके ठीक है जी।
तो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन आ गई। तो लेकिन इम्पोर्टेंट क्या है, एग्जामिनेशन क्या पूछना चाहता है आपसे कि ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन आ भी जाएगी और वो जो है बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी या बाकी चीजों को भी वो साथ में ले लेगी, लेकिन वो आगे और ब्रॉड हो जाएगी। क्योंकि जैसे ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन बना तो उसके ब्रांचेस भी बने। अब ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन यानी फर्स्ट ऑल इंडिया एसोसिएशन है ये, इट इज फर्स्ट ऑल इंडिया एसोसिएशन। ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन इज द फर्स्ट ऑल इंडिया एसोसिएशन, और आप लगा लो कि यही एसोसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट थी जिसकी वजह से आप कह सकते हैं कि पॉलिटिकल आइडियाज पूरे इंडिया में स्प्रेड होने शुरू हो जाए। ऐसे ही बॉम्बे में बन जाएगी बॉम्बे एसोसिएशन, मद्रास में बन जाएगी मद्रास नेटिव एसोसिएशन, मद्रास नेटिव एसोसिएशन बॉम्बे में बन गई बॉम्बे एसोसिएशन। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अब जब जब चार्टर रिन्यू करने का टाइम आएगा ईस्ट इंडिया कंपनी का, तब तब चीजें बदलती जाएंगी। ये डिमांड करेंगे, ये रेज करेंगे क्वेश्चंस को, एग्जीक्यूटिव में चेंजेस लाइए, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव को अलग अलग कीजिए, इंडियंस को एडमिनिस्ट्रेशन में ज्यादा स्कोप दीजिए, मिलिट्री एक्सपेंडिचर कम कीजिए। हाँ बोलो। क्वेश्चन हाँ बोल। पूछा गया, मुगलों में ऐसे कौन से शासक थे जो जिन्होंने दिवाली मनाई थी? हाँ? मुगलों में ऐसे कौन से शासक थे सर जिन्होंने दिवाली मनाई? दिवाली तो यार बहादुर शाह जफर भी मना देगा, अकबर भी मना देगा, कोहली भी मना देंगे, वो जहांगीर भी मना देगा, क्या हो गया इसमें? ये सर सबसे पहले स्टार्ट जिसने किया था, क्या स्टार्ट जिसने किया था सर, स्टार्ट अकबर किसने हो किया था? सकता है? अकबर होना चाहिए। किसने स्टार्ट किया था? मैं तो पूछ रहा हूँ सर आपसे। लेकिन मैं आपसे बता रहा हूं यार, ये कोई क्वेश्चन थोड़ा है, मतलब ये पहली किसने बनाई थी, अब ये तो अकबर ही हो सकता है। बाबर के पास टाइम नहीं था, हुमायूं खुद ही अपने आप को वो नहीं कर पाया, तो अकबर ही होना चाहिए। कोहली भी कॉन्फिडेंट बनेगी। हाँ कॉन्फिडेंट नहीं हो सर आप? अरे कॉन्फिडेंस की बात ही नहीं है इसमें यार। सर अकबर ही था जिसने पहले मनाया था होली दिवाली। अरे यार ये क्या है कि हिंदुस्तान में लॉलीपॉप देने वाली कहानी है ये, कि पहले होली किसने मनाई थी, पहले दिवाली किसने मनाई थी, ये कोई क्वेश्चन थोड़ा ना है। ये क्वेश्चन है क्या कोई? ये फेस्टिवल रहे हैं ये तो पहले से। अब अकबर की 100 रानियां थी, उसकी तो रोज ही होली थी। अब तुम कह रहे हो कि तुम्हारे हिसाब से होली मननी चाहिए, वो तो रोज ही पानी में खेलते थे, रोज ही रंग उड़ाते थे वो। बात समझ आई? हेलो, हाँ जी सर समझ गया। समझ आई? तो होली दिवाली के चक्करों में ज्यादा ऐसा कोई क्वेश्चन आना नहीं चाहिए कभी कहीं पे भी, अगर जब तक कोई पॉलिटिकल पार्टी पेपर सेट नहीं करेगी। वो तो पता नहीं क्या ले आएंगे, ये क्वेश्चन थोड़े ना यार। सर इसलिए हाँ पूछा था कि कहीं इंटरव्यू में पूछ ले कभी। अरे पहले एक पेपर पीटी तो दे ले, और इंटरव्यू में भी अगर तू नहीं बता पाएगा तो तेरे नंबर नहीं कटेंगे। इंटरव्यू पर्सनालिटी टेस्ट है, नॉलेज का टेस्ट नहीं है। सारे आंसर दे दो जब भी फेल हो जाओगे, और एक भी नहीं दोगे जब भी रैंक आ जाएगा। तो होली दिवाली नहीं, लेकिन तुम्हारे इस क्वेश्चन से तुम्हें जैसे पूछना चाहिए कि भाई पहली बार नवरोज किसने स्टार्ट किया इंडिया में, नवरोज न्यू ईयर फेस्टिवल, फिर उसके बाद गुलाब का इत्र जो है वो किसने ईजाद किया, बताओ। गुलाब का इत्र, सर शायद गुलबगन बेगम की वो थी, नहीं हाँ। फिर तो ये सब दो तीन चीजें हैं, ये भी नहीं आएंगे अब तो, आएंगे। सर ये भी नहीं आएंगे, क्योंकि ये भी जो है बहुत घिसपिट गए हैं। क्वेश्चन आएगा थिंकिंग बेस्ड थोड़ा, और जो सबसे सिंपल होगा तो सारे ही कर लेंगे उसको। इसलिए हमें सोचना चाहिए, आसान क्वेश्चन आए तो मैं कर ही लूं, और टफ आए तो मैं छोड़ने वाला नहीं। यू नो दैट शुड बी द एटीट्यूड। और बताइए, और कोई डाउट? नहीं सर होगा तो अभी पूछ लूंगा सर। तो पॉइंट ये है जो मैं अभी आपसे कह रहा था कि ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन बन जाएगी, तरह तरह की डिमांड करेगी, यू नो सॉल्ट टैक्स रिमूव करो, इंडियंस को आर्म्स एक्ट का ब्यौरा दो,
उसके बाद एक्साइज ड्यूटीज को कम करो, इंडिजिनस प्रोडक्ट्स को जो है वो प्रमोट करो। तो जो भी आप आइडियाज सोच सकते हैं एक कॉन्शियस और एक रेडिकल माइंड से, वो सारे आइडियाज के सारे चीजें जो है वो आपके ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन वाले बोलेंगे, उसमें बहुत सारी चीजें आ जाएंगी। लेकिन क्या करेंगे, वो पिटिशंस देंगे, रिक्वेस्ट करेंगे और प्रोटोकॉल्स को फॉलो करेंगे। इसका मतलब धीरे धीरे पॉलिटिकल एक्टिविटी इंटेंस होती चली जाएगी, यानी कि चेन ऑफ पॉलिटिकल एसोसिएशन बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? चेन। एक आइडिया बढ़ता जाएगा और उसके बाद से चीजें जो है वो आगे होती जाएंगी। इट इज नॉट अ वन डे प्रोसेस, दैट इज व्हाई इट इज टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम। इट इज टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम बिफोर कमिंग ऑफ द कांग्रेस। जैसे मैंने बताया आपसे, ये सारी बॉडी बन गई, तो इन बॉडीज के बनने के बाद जो है क्या होगा? ये बॉडी जब बनेंगी तो होगा क्या? अब होगा क्या, इससे इमर्ज हो जाएगी एक न्यू इलीट क्लास। एक न्यू इलीट क्लास इमर्ज होगी, यानी कि प्रेसिडेंसी टाउन्स के अंदर एक गहमा गहमी चलेगी, यानी एस्पिरेशनल इंडियंस आगे आएंगे, एजुकेशनल इंडियंस आगे आएंगे, नेशनलिज्म आगे बढ़ेगा, मास बेस्ड एसोसिएशंस आगे बढ़ेंगी, ठीक है जी। उसके बाद जो है आपके पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस आएगी लोगों में, साथ में क्या होगा, रेडिकल नेशनलिज्म आगे आएगा। ऐसे ही कौन सी बॉडी बनी 1875 में? इंडियन लीग। इंडियन लीग एक बॉडी बनेगी, शिशिर कुमार घोष बनाएंगे उसको, इंडियन लीग, ठीक है जी। इंडियन लीग एक बॉडी बनेगी, उनका ऑब्जेक्टिव होगा, ऑब्जेक्टिव होगा टू स्टिमुलेट नेशनलिज्म। देखो आइडिया चेंज होने लगे ना, और साथ में होगा पॉलिटिकल एजुकेशन। तो बड़े बड़े शब्द आने लगेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कोई एजुकेशन, कोई अभी जो है इंडिपेंडेंस मांग लेगा या पता नहीं कुछ और हो जाएगा। तो यानी न्यूज़पेपर का रोल आ जाएगा, जैसे अमृत बाजार पत्रिका, ऐसे ही एक बॉडी बनेगी इंडियन एसोसिएशन 1876। आनंद मोहन बोस, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ये ब्रॉड कर देंगे और ये एजिटेशन भी करेंगे। सिविल सर्विसेज के लिए एजिटेशन होगा कि उसको ब्रॉड किया जाए। एस्पिरेशंस और इंस्पिरेशन कहां से लिंक करेंगी? मेज़िनी के आइडियाज से। मेज़िनी, he is one of the glorious leaders of Italian revolution, Italian unification कहना चाहिए मुझे, German and Italian unification are one of the two important events। इसीलिए शुरू में वो subscription कम रखेंगे। ताकि मैक्सिमम लोग जुड़ सकें, उनके काम होंगे कॉन्टैक्ट विद द मासेस, दूसरा स्प्रेडिंग अवेयरनेस, तीसरा स्ट्रांग पब्लिक ओपिनियन, चौथा होगा पॉलिटिकल क्वेश्चंस को रेज करना, प्रमोटिंग हिंदू मुस्लिम यूनिटी,
और लोगों को एक पॉलिटिकल यूनाइटेड प्रोग्राम पे एक साथ जोड़ना। इसीलिए इंडियन एसोसिएशन किसका रोल मॉडल बन जाएगा? एजुकेटेड इंडियंस का रोल मॉडल बन जाएगा। जब लिट्टन 1876 में उम्र कम करेंगे कि भाई मैक्सिमम एज जो है 19 साल होगी, अब कितनी होगी मैक्सिमम एज, कितनी होगी सर? मैक्सिमम करी थी, मिनिमम करी थी 19। वही तो तेरे से पूछ रहा हूं मैं, मैक्सिमम होगी मिनिमम होगी? मिनिमम कर देती सर। अच्छा, मिनिमम एज 19 और मैक्सिमम? सर ऐसे ये नहीं सर, शायद मैक्सिमम ही की थी, क्योंकि फिर उसी के बाद ही तो लोगों को दिक्कत होने लगी थी कि 19 इयर्स तक तो क्या ही। क्या पढ़ रखा है खुशबू तुमने? अरे ग्रेजुएशन में क्या था तुम्हारे पास? सर मेरे पास कॉमर्स। कहाँ से पढ़ाई की है तुमने? सर दिल्ली यूनिवर्सिटी। कौन सा कॉलेज? मोतीलाल नेहरू। इवनिंग मॉर्निंग? मॉर्निंग सर। अच्छा, तो मोतीलाल नेहरू मॉडरेट था कि रेडिकल था, क्या था वो? सर वो तो मॉडरेट थे। मॉडरेट थे। तो आप अभी क्या कर रहे हैं? मतलब अभी का मतलब आगे भी पढ़ रही हो? हाँ जी सर, मास्टर्स कर रही हूँ सर। किस चीज में? सर कॉमर्स में। और ऑप्शनल क्या है? सर इकोनॉमिक्स। अच्छा, कर लिया इकोनॉमिक्स? नहीं सर। शुरू कर दिया? नहीं सर। कैसे करोगी सर? अभी समझ नहीं आ रहा। ढंग से करना हो तो बताना। ठीक है सर। पर तुम लोग सबके पास दिमाग है, देखो खुशबू सही क्वेश्चन उठाती है। सचिन? यस सर। हाँ देखो, अप्रोच होती है, सोचने का तरीका होता है एक। अभी तूने बोला कि मिनिमम नहीं होगी। जी मिनिमम हो जाएगी, मैक्सिमम नहीं होगी। इसने झट से बोला मैक्सिमम ही होगी, तभी तो लोगों को दिक्कत आएगी। तो ये है मिनिमम बेंचमार्क। मैं भी सही क्वेश्चन उठाता हूँ। अरे तू तो हीरो है यार, मैंने तेरे को कब बोला? तेरा फोटो देख, उसी से इंस्पायर होता हूँ मैं। क्वेश्चन अच्छे उठाता है, मैंने मना नहीं किया, बट आई एम जस्ट सेइंग कि शी हैड नॉट स्पोकन बिफोर मच, सो आई एम जस्ट ऑब्जर्विंग कि कौन क्या बोलता है। तो मुझे इस पॉइंट पे स्ट्राइक हुआ कि ऐसे ही सोचा जाता है। ये मिनिमम लेवल है सोचने का, सबको ऐसे सोचना चाहिए, और अगर आप ऐसे सोचते हो तो और आगे सोचो, पर इससे नीचे से काम नहीं चलेगा, क्योंकि पढ़ के नहीं पेपर निकलने वाला। सिर्फ पढ़ लिया आपने और पेपर हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता, समझे? ऐसा नहीं हो सकता। तो बात समझिए कि हो क्या रहा है। तो ऑब्वियसली एज उसने कम कर दी थी, पहले 21 थी, ठीक है ना, फिर हो गई 19। मैक्सिमम एज फॉर अपियरिंग इन ICS वाज 21 बिफोर, और फिर क्या है, मैक्सिमम एज हो गई। हेलो, 19। हाँ फिर 19 हो गई, तो पंगा नहीं होगा? सोचिए आप, 21 ही थोड़ी थी वैसे तो, 21 उम्र तक मैक्सिमम था, बताइए आज के टाइम से कंपेयर करो। और आज तो 32 के बाद भी बोल रहे हैं वहां पे सुप्रीम कोर्ट में कि हमें एक मौका और दो, हमारे 6 अटेम्प्ट पूरे हो गए। राहुल गांधी ने और कुछ किया ना किया, हो तुम लोगों को सबका भला करके चला गया वो, हैं? राहुल गांधी जी ने किए थे ना 4-6, पता है ये बात? हाँ जी सर। राहुल गांधी जी ने किए हैं 4-6 अटेम्प्ट, पता है? जब यूपी नहीं सर, ये तो 2014 में हुआ था ना सर। हाँ तभी तो यूपीए गवर्नमेंट जाने वाली थी ना, मोदी जी ने कुछ नहीं किया, मोदी जी 4-2 कर देंगे और उम्र भी कर देंगे 21 साल, फंडामेंटल ड्यूटी देख लो। तो ऐसे जैसे बंगाल में पॉलिटिकल पार्टीज बनी,
और हमने बोला एक नेशनल बॉडी बन गई, ऐसे वेस्टर्न इंडिया में भी होगा, तो वेस्टर्न इंडिया में क्या बनेगा, बॉम्बे एसोसिएशन बनेगा। ऐसे ही बनेगी पूना सार्वजनिक सभा, पूना सार्वजनिक सभा, सार्वजनिक यानी पब्लिक, पब्लिक इश्यूज उठाएगी, इसलिए नाम क्या है इसका, पूना सार्वजनिक सभा, यानी एम जी राणा डे, वासु क्या नाम था उसका, गणेश वासुदेव जोशी, और एक होगा आपका चिपलंकर, ये सभी जो हैं बढ़ाएंगे इन बातों को। तो यानी अब बॉम्बे में भी हो गया, बंगाल में भी हो गया, प्रीकर्सर बनने लगा है, प्रेशर आने लगा है। ऐसे ही बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन बनेगी, ये कब बनी, 1885 में। चलो मुझे एक बंदा बताओ जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी का मेंबर होना चाहिए तुम्हारे हिसाब से। हाँ, एक बंदा बताओ जो प्रेसिडेंसी एसोसिएशन का मेंबर होना चाहिए तुम्हारे हिसाब से। सर किसका मेंबर, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन का मेंबर होना चाहिए उसको तुम्हारे हिसाब से, कि अगर 1885 में बना है तो ये बंदा मेंबर होगा ही होगा। तिलक जा सकता है सर। हाँ क्या सर, तिलक, तिलक देखो थोड़े रेडिकल है, ये सारी बॉडीज थोड़ी मॉडरेट है, जिस तरीके की पॉलिटिक्स की हम बात कर रहे हैं। हाँ और कोई नाम बोलो, फिरोज शाह मेहता, अभी पढ़ेंगे इनके बारे में हम। एक हो जाएंगे केटी तेलंग सर, दादा भाई नावरो जी बिल्कुल हो सकते हैं, लेकिन इस टाइम वो होंगे नहीं यहाँ पे, इसीलिए एग्जामिनेशन उनका नाम जरूर देगा। और बद्रुद्दीन तैयब जी और दिनशा वाचा, दिनशा वाचा जुड़ जाएंगे, लेकिन तीन ये फाउंडर हैं बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के, काशीनाथ त्रिम्बक तेलंग, फिरोज शाह मेहता और बद्रुद्दीन तैयब जी, तीनों के बारे में मतलब अभी हम पढ़ेंगे। ऐसे ही मेड्रा, हाँ राणा डे वो भी जुड़ेंगे, जुड़े तो सब रहेंगे एक दूसरे से, ऐसा नहीं है कि बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन में बाकी लीडर्स का रोल नहीं होगा, बट वी आर सेइंग हु आर द की फाउंडर्स, तो फाउंडर्स आर दीज। ऐसे ही होगी आपकी मद्रास में, मद्रास नेटिव एसोसिएशन, ओके पर ये ज्यादा लंबे समय चल नहीं पाएगी। एक और बनेगी आपकी मद्रास महाजन सभा, सर बोर्ड नहीं दिख रहा, बोर्ड नहीं दिख रहा सर, तो एक घंटे बाद बता रहे हो, मैं तब से बोर्ड पे लिखे जा रहा हूँ यार, कमाल के लोग हो यार तुम तो। सर अभी गया है, अपने आप चला गया, ये लो ये सब दिखाई दिया था, ये सब गया था, आ रहा है कि जा रहा है, सर ये तो लिख दिया सारा। हाँ मद्रास महाजन सभा, मद्रास महाजन सभा अब आ रहा है, बोर्ड दिख रहा है, यस सर। मद्रास नेटिव और ये महाजन दोनों अलग अलग है ना, बिल्कुल अलग अलग है, वो 1852 में बनी थी और वो खत्म भी हो गई, फिर 1884 में जाके दोबारा ये बॉडी बनी, यानी बीच में जो है एक्टिविटीज चल रही थी, जैसे 1878 में तुम्हारा हिंदू न्यूज़पेपर आया द हिंदू, क्योंकि 1878 में आया था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था
उसका मतलब था कि वर्नाकुलर प्रेस यानी कि नॉन अंग्रेजी प्रेस अपनी मर्जी से कुछ नहीं छाप सकती, जो भी छपेगा पहले गवर्नमेंट उसको अप्रूव करेगी, अगर ऐसा नहीं हुआ तो आपकी प्रिंटिंग प्रेस जब्त हो जाएगी। इसीलिए ओवरनाइट अमृत बाजार पत्रिका बंगाली से इंग्लिश न्यूज़पेपर बन गया और द हिंदू उसी के प्रोटेस्ट में 1878 में मद्रास से शुरू हुआ। कल को जब सुबह हिंदू खोलोगे तो पहले पेज के टॉप पे देख लेना 1878 लिखा होगा। सो मद्रास महाजन सभा मिली, किसने बनाई? एम वी राघवचारी। जी सुब्रमण्य अय्यर, एंड पी आनंदा चारलू। ये सारे के सारे बड़े इंपॉर्टेंट लीडर्स हैं। इसीलिए इनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना? और बोलिए, कोई डाउट अब तक जितना हमने बोला? हाँ, बोलिए ना। सर, इसके जो इंडियन नेशनल कांग्रेस इधर 1885 में, दोबारा बोलो सर, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो 1885 में, तो उसकी जो उसके फाउंडर कौन थे सर? उसके फाउंडर अभी बात करेंगे यार, पहले जो कर रहे हैं वो देख लो ना, वहां तक पहुंचे गए हम। लेकिन मैं थोड़ी सी बात कर देता हूँ राजा राममोहन रॉय की फिर से। तो राजा राममोहन रॉय की जो मृत्यु हुई थी वो नहीं रहे थे, वो इंग्लैंड में नहीं रहे थे 1833 में जब वो वहां गए थे, आप नोट करते रहो। उनकी मदर वैष्णवाइट थी, वैष्णव धर्म को फॉलो करने वाली, मतलब सॉरी, फादर उसके वैष्णवाइट थे और मदर उसकी शैवाइट। और आप ये कह लीजिए वो शास्त्री बनने के लिए उनकी पढ़ाई हुई थी। ठीक है, राजा राममोहन रॉय, उनके एक माता पिता चाहते थे कि वो स्कॉलर बने, दूसरे चाहते थे कि भाई जितने भी दुनिया की सुख सुविधाएं हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को ज्वाइन कर ले, ब्यूरोक्रेसी को ज्वाइन कर ले और जीवन जी ले। राजा राममोहन रॉय की 3 बार शादी हुई, और उन्होंने सब कुछ अपनी पढ़ाई और अपनी एजुकेशन और अपनी एक, जब वो ईस्ट इंडिया कंपनी को उन्होंने जॉब किया था तब से उन्होंने सीखा। पर्शियन उन्होंने सीखी बचपन में पटना से, फिर उन्होंने मदरसे में उन्होंने पर्शियन सीखी, बंगाली सीखी उससे पहले, फिर बनारस गए वो, वहां से हिंदू स्क्रिप्चर्स और संस्कृत सीखी, वेद पढ़े, उपनिषद पढ़े, 2-2 साल 3-3 साल हर जगह लगाए। लेकिन जब उन्होंने पर्शियन और अरबिक स्टडीज पढ़ी तो उनकी थिंकिंग जो है बन गई, उनकी वो वन गॉड, एक गॉड एक भगवान। लेकिन अभी तक उनको इंग्लिश नहीं आती थी, और धीरे धीरे फिर उन्होंने जो है वेदांता उपनिषद इन सबको जब उन्होंने पढ़ा, उन्होंने यूनिटी ऑफ गॉड को वो किया, और उन्होंने फिर ट्रांसलेशन भी करने शुरू किए इंग्लिश के अंदर। उन्होंने कलकत्ता में एक सोसाइटी बनाई, कलकत्ता यूनिटेरियन सोसाइटी। ब्रह्मो का मतलब भी यूनिटी होता है, लेकिन उन्होंने एक बॉडी भी बनाई थी कलकत्ता यूनिटेरियन सोसाइटी। क्योंकि अब हम जो है जब एक बार नेशनल मूवमेंट में आगे आ जाते हैं तो हम फिर इन सब की बात हम नहीं करेंगे।
फिर ईस्ट इंडिया कंपनी में जब वो चले गए, पॉलिटिकल आइडिया, क्योंकि हमारे इंडिया के फाउंडर हैं वो पॉलिटिकल आइडियाज के एक तरीके से, राजा राममोहन रॉय जो है वो एक तरीके से ये लगा लीजिए कि जुड़े भी रहे ईस्ट इंडिया कंपनी से, वहां से सीखा भी, एजिटेशन भी हुआ मन में, चीजें भी सीखते गए। एक नाम शायद हमने यूज किया नहीं किया मुझे याद नहीं है, विलियम कैरी, एनसीईआरटी में भी ये नाम है विलियम कैरी। विलियम कैरी जो है वो एक शू मेकर थे। विलियम कैरी एक शू मेकर थे और उन शू मेकर से इन्फ्लुएंस, उनके साथ उन्होंने जो है क्रिश्चियनिटी को समझना और वो करना शुरू किया, ट्रांसलेट किया बाइबल को। विलियम कैरी ने देखा कि पंडित और इनकी हेल्प से बहुत जल्दी चीजें फैल सकती हैं और बुद्धिज्म और जैनिज्म भी सीख लिया लगे हाथ। तो राजा राममोहन रॉय की अंग्रेजी विलियम कैरी की वजह से ही बहुत अच्छी हुई, जो कैरी ने और राजा राममोहन रॉय ने और एक और जेंटलमैन थे जो इनके सपोर्टर थे, उनका नाम था विद्या बगीश। इन तीनों ने मिलके महानिर्वाण तंत्र करके एक काम किया। क्या किया? महानिर्वाण तंत्र, आप समझे, महानिर्वाण तंत्र नाम का इन्होंने एक पुस्तक लिखी और उसके अंदर उन्होंने वन गॉड को प्रोपोगेट किया। फिर राजा राममोहन रॉय और लोगों से मिलते गए, मिशनरीज के साथ मिले, उन्होंने राइटिंग का काम शुरू किया, मुंशी बन गए और बाकी तो हमने सारी चीजें की थी उनकी। तो इन सारे चीजों का पॉलिटिकल आइडियाज पे बहुत फर्क पड़ता है। उनका एक अखबार था पर्शियन अखबार, मैंने आपको शायद नाम बताया भी था, मिरातुल अखबार, बताया था कि नहीं बताया था? सर बताया था। तो ये अखबार भी आप लगा लो, अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है और वो बोलता है ये अखबार ऐसी बातें करता था, अगर वो पॉजिटिव बात है तो हाँ बोल दो, क्योंकि अखबार पढ़ने का टाइम नहीं हमारे पास। आपको ये सोचना है ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता। रिलीजियस रिफॉर्म्स थे उनके, सोशल रिफॉर्म्स थे, एजुकेशनिस्ट तो वो थे ही, मैंने आपको ऑलरेडी बताया। और प्रेस, उनका प्रेस में बड़ा रोल रहा, इसीलिए पॉलिटिकल कल्चर में भी हम उनको बड़ा मानते। आज की डेट में तो खैर ना वो उनको कोई पूछता ना उनकी कोई बात होती, पर भारत एक खोज अगर आप देखोगे तो उसमें राजा राममोहन रॉय पे एक एपिसोड है। भारत एक खोज सुना है भाई किसी ने या नहीं सुना? सर नेहरू जी की बुक। क्या डिस्कवरी ऑफ इंडिया है? लेकिन मैं सीरियल्स की बात कर रहा हूँ, सीरियल। हाँ सर पहले डीडी इस पे आते थे, डीडी नेशनल पे आते थे पहले। हाँ तो नहीं, ऑनलाइन यूट्यूब पे मिल जाना चाहिए, यूट्यूब पे सारे होंगे लिंक आई एम श्योर। तो जब हम इसी डायरेक्शन में बात करते हैं तो जो मैंने अभी आपको बताया ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, वो भी एक बॉडी थी, वो तो दादा भाई नॉरेजी के बारे में हम जब दोबारा, मैं चाहता हूँ उसके टाइम हम जब बात करें जब हम मॉडरेट्स पढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा जिक्र यहाँ आएगा। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन एक बॉडी बनी 1866 में। कहाँ बनेगी ये बताओ, ये बता दो मुझे, चलो मान जाऊंगा मैं। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन कहाँ बन सकती है बोलो? हाँ ईस्ट इंडिया एसोसिएशन कहां बन सकती है? ए कलकत्ता, कलकत्ता ही सर। सबका कलकत्ता उत्तर है? ऑप्शन देना सर और। तो पहले क्यों बोल रही हो फिर? सर मेरे ख्याल से तो सर वही होनी चाहिए। आप कोई ऑप्शन नहीं दिया जाएगा, मैं बता ही देता हूँ क्योंकि तुमने पहले ही वो कर दिया। ईस्ट इंडिया है नाम इसका,
अगर ये इंडिया में ही होती तो इसका नाम ईस्ट नहीं होना चाहिए था, यानी ये ऐसी जगह बनी है जो इंडिया के ईस्ट में है, मतलब इंडिया जिसके ईस्ट में है, तो कहाँ बन सकता है? लंदन। बोला लंदन, मैंने क्या होता है हाँ मैंने माने कुलदीप, ओके कुलदीप जी, लंदन में बनेगी ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, लंदन में बनी, क्योंकि आप सारी एसोसिएशन तो रट ही नहीं सकते, मर जाओगे। आती है इंपॉर्टेंट वंस, लेसर नोन भी आएगी तो आंसर के अंदर ही आंसर छुपा होता है। तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन लंदन में बनेगी, कौन बनाएगा इसको? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता हो सकता है? हो सकता है भाई। बदरुद्दीन तैयब जी यहां भी हो सकते हैं? हो सकते हैं जी। एक्स्ट्रा नाम कोई हो तो वो देख लो, जैसे मनमोहन घोष, मनमोहन घोष जी बनाएंगे साथ में, मनमोहन घोष भी एक लीडर थे। तो दादा भाई नौरोजी कौन थे? दादा भाई नौरोजी वो द फर्स्ट इंडियन टू बिकम मेंबर ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट, एशिया फर्स्ट एशियन टू बिकम मेंबर ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट। और वो कहां से बने फर्स्ट इंडियन? फिल्सबरी कॉन्स्टिट्यूएंसी। पहले एशियन, पहले इंडियन, सोचो जो लंदन के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने फिल्सबरी कॉन्स्टिट्यूएंसी से, समझे? तो ये हमने बात कर ली प्री कांग्रेस। आवाज आ रही है जी? ये हमने बात कर ली प्री कांग्रेस में। अब एक ही चीज रह जाती है, 1883 में इंडियन एसोसिएशन ने एक बॉडी बनाई, उसका नाम था ऑल इंडिया नेशनल कॉन्फ्रेंस। ऑल इंडिया नेशनल कॉन्फ्रेंस, और ऑल इंडिया नेशनल कॉन्फ्रेंस जो बॉडी थी उसने दो कॉन्फ्रेंस भी की। ये ऑल इंडिया नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबर कौन हो सकते हैं? बहुत सारे लोग, लेकिन लीडर कौन होगा? सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस, उसके मेन आर्किटेक्ट थे वो। क्योंकि सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ऑल इंडिया नेशनल कॉन्फ्रेंस से बिजी थे और जुड़े हुए थे, इसीलिए वो ज्वाइन नहीं कर पाएंगे फर्स्ट सेशन को। आईएनसी का फर्स्ट सेशन जो 1885 में हुआ था उसको ये ज्वाइन नहीं कर पाए थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी, क्योंकि वो उधर बिजी थे, ठीक है जी। एट द सेम टाइम जब हम 1885 की बात करते हैं तो प्रयाग सेंट्रल हिंदू समाज ये भी एक मीटिंग करेगा अपनी इलाहाबाद में, ओके। तो ये 1885 तक का हमने आज पूरा कर दिया। बोलो जी। सर राजा राममोहन रॉय को राजा की उपाधि किसने दी थी? अकबर टू ने, ये तो हमने लिखा था, भूल गया? पर ऐसे क्वेश्चन भी नहीं आने वाले हम, ये राजा किसने कहा और रानी किसने कहा और क्यों कहा, ये आ जाएगा, पर किसने कहा ये नहीं आएगा। पटवारी के एग्जाम ऐसे क्वेश्चन अब पटवारी के एग्जाम में आएंगे, पटवारी और बाकी लेवल के जो एग्जाम है सिविल सर्विसेज और एचसीएस में नहीं आएंगे। बोलो सर क्यों कहा गया था ये? राजा उनको इसलिए बोला उन्होंने क्योंकि वो इतने मल्टीटास्कर हैं, वो उनको एक हॉनरिफिक टाइटल दे दिया खुशी के मारे, उनको राजा नहीं बनाया कहीं का, उनको राजा टाइटल दिया ताकि उनकी इज्जत बढ़े, वो राजा के जैसे ही थे। और बोलिए। बोल नहीं रहे यार तुम कुछ? सर इनके जो बेटे थे सर उनका भी कहीं पे नाम आता है या फिर उन्होंने भी कुछ ऐसा कुछ किया था? नहीं यार, करा तो सभी के ने कुछ।